के अंडर में कैसे जांच करेंगे? एक दरोगा गृह मंत्री के से कैसे जवाब तलब करेगा? आप मंत्री जी की बात कहीं जाए तो वो तो आजकल कहीं सभाएं कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, कल की परसों की बात है। तो यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। तो आपको लगता है किसानों की आपको लगता है इन सब में इस्तीफा होगा? देखिए 12 तारीख तक का आप लोग इंतजार करें, 12 तारीख को क्या होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा बताएगा। अगर 12 तारीख को गिरफ्तारी नहीं होती उनके बेटे की तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 तारीख को अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कोई बड़ा निर्णय लेंगे, तो इंतजार करो 4 दिन और। जी तो ये भी कहते हैं अगर नहीं फैसला हुआ हमारे में तो हम आंदोलन करेंगे लखीमपुर खीरी। देखिए वो जब हमने उन लोगों को चुन रखा है, 40 लोग हमने चुन रखे हैं, तो 40 लोग जो निर्णय लेंगे हम लोग उसे मानेंगे। तो सवाल ये भी कह रहे हैं कि जितने दोषी आशीष मिश्रा है उतने ही दोषी राकेश टिकैत भी है। हाँ राकेश टिकैत ने तो सबकी हत्या की है वहाँ जाके, बैरिकेडिंग तो तोड़ी है ना। क्या दोषी तो हुए? क्या बैरिकेडिंग तोड़ना और हत्या करना बराबर होता है क्या? जो किसानों ने खेतों में बता रहे पीटा है बीजेपी के लोगों को, किसको पीटा? 4 लोगों को बीजेपी। देखिए जब कोई हमारे घर में डकैती घेरने आता है और डकैत जब भागते हैं तो जनता उसको मारती है, वो अपराध नहीं होता। नर पिशाच को जहां मार दोगे तभी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने कार तो लगाई है सरकार को, फटकार लगाने से कोई काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेके सरकार को बर्खास्त करो, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करो, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कल का टाइम तो दिया है, कल 11 बजे का टाइम हो किसका 11 बजे का टाइम के लिए चिपका दिया गया है नोटिस, तो क्या होगा? कल 11 बजे वो कह रहे मैं नोटिस तो कल भी चिपका था, परसों भी चिपका था, क्या हो रहा नोटिसों से? अस्वस्थ था हमारा बेटा, अभी कल हाजिर होगा। हाँ ये सब जितने नेता हो इनके परिवार हो ये तुरंत इनको हार्ट अटैक भी होता है और अस्वस्थ हो जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो कह रहे हैं बेटा हमारा यहीं है, कहीं बाहर नहीं गया हुआ है और जो है कल की डेट दे रहे हैं। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि इसी तरह सबूत मिटाए जाते हैं, उसको पद से हटाओ, 1 घंटे के अंदर वो बेटा हाजिर हो जाएगा, इसके बाप को कान पकड़ के खींच के लाओ और हवालात में बंद करो, अपने आप बेटा दौड़ा चला आएगा। योगी जी पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं आज। अरे योगी तो इसका मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ही योगी है कि वो प्रदेश में जो है दंगा फैलाना चाहता है और उस दंगे से देश को बचना है। जिस तरह से किसानों के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं तो, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी जो है वीडियो डिलीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सबूत मिटाना चाहिए, लेकिन फिर भी मंत्री जी अपनी सफाई में कुछ मतलब वही बेटे के पक्ष ले रहे हैं बार बार। अरे तभी तो हम कह रहे हैं, अब बार बार आप एक ही सवाल कर रहे हो और उसका जवाब एक ही है कि सबसे पहले उसके बाप को बर्खास्त करो, उसका इस्तीफा लो और उसे पदमुक्त करो, तभी तो वो बाप और बेटे से को जेल में डालो, अपने आप सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि जब बयान आता है मंत्री जी का ऐसा करते हुए 2 मिनट में खट्टर जी ने भी क्या उसका रिएक्शन तो हो ही रहे ना, अम्बाला में भी हुआ है, लखीमपुर खीरी में भी हुआ। देखिए सरकार को जो करना है करे, ये आंदोलन शांतिपूर्वक था चलेगा, वो आंदोलन को तोड़ना चाहती है, वो चाहते हैं ऐसी घटनाएं करके कि किसान हिंसक हो जाए और हिंसा की आड़ में इनका आंदोलन तोड़ दे। नहीं किसान ने कोई हिंसा नहीं कर रहा, किसान ने कोई हिंसा की नहीं आज तक 11 महीने में, एक जगह भी बताओ कि किसान ने किसी को मारा हो, हर बार किसान ही पिट के आ रहा, गोली खा के आ रहा, मर के आ रहा, सर फुड़ा के आ रहा, हड्डी तुड़वा के आ रहा, तो ये तो देश के किसानों की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन से सत्ताएं हिला दी हैं। बीजेपी के नेताओं से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो पुरानी घटनाएं याद करते, पुरानी घटनाएं बताते हैं, वो आज की नहीं बोलते, बात कर रहे हैं वो। उनको हमेशा यही रहेगा क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको तो सिर्फ पुरानी सरकारों की बातें याद रहेंगी, अपना तो कुछ है ही नहीं। उनसे पूछो ना कि गोडसे कौन था, तब पूछो, बताओ माफी वीर कौन था,
सब पता चल जाएगा। साफ जवाब नहीं देते, आतंकवादी था या नहीं, हाँ दे ही नहीं सकते, वो गोलमोल जवाब देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि गोडसे इनका बाप था, गोडसे के ये पुजारी हैं और ये देश में वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। गांधीवादी है बिल्कुल। कौन कह रहा गांधीवादी है? मोदी से जाके पूछ लेना कि गोडसे को पूछते हो या गांधी को पूछते हो, जाओ अगर जिंदगी में जस मिल जाए तो इस सवाल का जवाब लेके आना। भारत अभियान गांधी जी के नाम से चला है, क्या हाँ सपना पूरा कर रहे हैं? अच्छा जो भारत अभियान क्या है, क्या है गांधी जी का ही तो सपना, कोई अब सपना नहीं, सब दिखावटी है। गांधी को झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? कौन झाड़ू लेके और यहाँ पे सफाई पड़े है और यहाँ तो झाड़ू मारेगा तो क्या हो गया? क्या तो प्रधानमंत्री तो वहाँ पे वाल्मीकि के पैर भी धो रहा था वहाँ पे बनारस में, उसमें प्रयागराज में, अच्छी बात है हैं? और उसी वाल्मीकि की लड़की 9 साल की बेटी दिल्ली में उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई, शव जला दिया गया, एक शब्द नहीं निकला। वही वाल्मीकि की बेटी हाथरस में क्या ऐसा कांड हो गया, एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जब वोट चाहिए तो ये हिंदू हैं और जब वोट का काम निकल जाए तो ये जाति में हैं।